कहता है आपके पास तीन लेंथ दे दिया गया, थ्री लेंथ, थ्री कंडक्टर है, थ्री वायर्स है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यहाँ पर मेंशन है, रेजिस्टेंस मिनिमम किस में होगा। अब देखो रेजिस्टेंस मिनिमम निकालना प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस मिनिमम निकालने के लिए हम सबको पता है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अब रो क्या है, थ्री वायर्स ऑफ सेम लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस, मतलब थ्री कॉपर वायर, मटेरियल सेम है भाई, एक ही कॉपर का है तीनों, तो अगर कॉपर का तीनों है तो रो सभी के लिए कांस्टेंट है, तीनों वायर के लिए रो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए को मैं एक्स बोल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर लिखना ना पड़े। तो अगर आप आर मिनिमम होगा, आर अगर ये वाली चीज है, ये मिनिमम होगी एल अपॉन ए या एक्स वॉट इवर, तो आर मिनिमम होगा, बराबर समझ में आ गया। एल अपॉन ए जिसका मिनिमम होगा उसका आर मिनिमम होगा, या एक्स जो भी कह दो। तो सबसे पहले वायर के लिए कनेक्ट करते हैं, पहले के लिए रेजिस्टेंस आर वन इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए को एक्स बोल दिए, पहले के लिए लेंगे। दूसरे के लिए आर टू इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरे वाले की लेंथ 2L है, दूसरे वाले की लेंथ 2L है, और दूसरे वाले की एरिया a बाई टू है, तो a बाई टू अगर लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और प्रोपोर्शनल टू 4L अपॉन a या प्रोपोर्शनल टू 4X, ठीक है। चलो ये आ गया दूसरे वाले वायर की कहानी। तीसरे वाले वायर के लिए लिखोगे तो प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए, तीसरे वायर की लेंथ एल बाई टू है, और इसकी एरिया 2 times a है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा 1/4 एल अपॉन ए प्रोपोर्शनल टू एक्स बाई 4। तो यहाँ से ये तीसरे वायर की, ये पहले वाले वायर की एक्स आया, दूसरे वाले के ए एक्स बाई 4 आया। तो अब देखो तीसरे वाले वायर की, अब जो L अपॉन ए, एक्स मतलब L अपॉन ए, ठीक है, मिनिमम किसके लिए है, ऑब्वियसली इसके लिए ये जो है मिनिमम है, थर्ड केस में ये जो है वो मिनिमम है, एक्स बाई 4 है, ये 4X है, और ये जो है वो मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस इसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा और ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और ये इनके बीच का होगा, ठीक है। तो तीसरा वाला रेजिस्टेंस वायर ऑफ एरिया क्रॉस रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, दैट इज ए ऑप्शन सही है, 2A। सेम तो नहीं होगा तीनों में, ठीक है, तो जिसका 2A एरिया क्रॉस सेक्शन है उसमें मिनिमम आ रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व